नाउ टुडे हमें बात करनी है फ्रेगमेंट्स की। फ्रेगमेंट्स क्या चीज़ है और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉयड के अंदर, और उसका एडवांटेज वगैरह हमारे पास क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है वगैरह वगैरह। ओके, नाउ फ्रेगमेंट्स बेसिकली एंड्रॉयड के अंदर आर अ टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे हमारे पास एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी बेसिकली होल स्क्रीन को ऑक्यूपाई करती है एंड दे वर्क लाइक एन इंडिपेंडेंट डिस्प्ले एरिया जिस पर पूरा आपका इंटरफेस डिस्प्ले हो रहा होता है। फ्रेगमेंट्स आर कंसिडर्ड एज ए सब सेक्शन ऑफ एन एक्टिविटी। फ्रेगमेंट्स आर कंसिडर्ड एज ए जिसको हम कहते हैं कि एक्टिविटी का ही एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, एक्टिविटी का ही एक चाइल्ड है, लेकिन एक एक्टिविटी में आप एक से ज्यादा फ्रेगमेंट्स रख सकते हो। एक्टिविटी हमने कहा इज जस्ट वन सिंगल एक्टिविटी एट अ टाइम, एक ही एक्टिविटी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होती है, उस एक्टिविटी के ऊपर हम मुख्तलिफ लेआउट्स डिजाइन कर रहे होते हैं। हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेगमेंट्स, तो फ्रेगमेंट्स बेसिकली आर लाइक एन एक्टिविटी, बट उसका एडवांटेज ये मिलता है कि एक तो वो लाइट वेट है, दूसरा एक एक्टिविटी में हम एक से ज्यादा फ्रेगमेंट्स रख सकते हैं। तो हमें एक्टिविटी तो चाहिए लेकिन हम उसके और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल फ्रेगमेंट्स के अंदर। इसका हमें एडवांटेज ये मिलता है कि समटाइम्स हमें कंटेंट तब्दील करना है, तो बजाय कि हम हर कंटेंट के लिए एक नई एक्टिविटी बनाएं, तो वो सिस्टम को थोड़ा स्लो भी कर सकती है, ऐप को हैवी भी कर सकती है। उसकी जगह पे हम सिर्फ उसका एक फ्रेगमेंट तब्दील कर देते हैं। ईच फ्रेगमेंट विल कंटेन इट्स ओन लेआउट्स, इट्स ओन बटन्स एंड ऑप्शंस। जरूरत पड़ने पे वो आपको नजर आएगा, जरूरत पड़ने पे आपको नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप की अगर हम बात करें, व्हाट्सएप यूजेस समथिंग कॉल्ड फ्रेगमेंट्स, जिसमें जब हम स्क्रॉल करते हैं तो जो चैट व्यू आ रही होती है वो एक फ्रेगमेंट है, फिर स्क्रॉल किया तो हमारे पास स्टेटस का पैनल आ जाता है, ये एक्चुअली एक और फ्रेगमेंट लोड हो गया। फिर मैंने स्क्रॉल किया तो कॉल्स की लॉग आ गई, तो ये अलग फ्रेगमेंट हुआ। बेसिक इंटरफेस हुई है, एक्टिविटी स्विच नहीं हुई, एक ही एक्टिविटी के अंदर तीन डिफरेंट हमने इंटरफेस रखे हैं, जिस पे मैं क्लिक करूंगा वो इंटरफेस आएगा, फिर वो गायब हो गया, फिर दूसरा इंटरफेस आया वो गायब हो गया, फिर तीसरा इंटरफेस आया वो गायब हो गया, ठीक है। तो फ्रेगमेंट्स हमें ये अलाउ करते हैं कि हम अपनी एक ही एक्टिविटी को मल्टीपल सेक्शंस के अंदर ब्रेक कर दें एंड देन वी कैन कंट्रोल के विच सेक्शन कैन बी डिस्प्लेड और शुड बी डिस्प्लेड एट व्हाट टाइम। दिस अलाउज अस टू कंट्रोल एंड एनहांस आवर ऐप प्रोडक्टिविटी, और हम अपनी ऐप को और ज्यादा फर्दर कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं यूजिंग समथिंग कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। इसका इस्तेमाल बहुत सारी एप्स में किया जाता है, इसका इस्तेमाल इनफैक्ट फेसबुक के अंदर भी एक्सटेंसिवली किया जा रहा है, बहुत सारी एप्स के अंदर इसका जो है वो डायरेक्टली यूज मौजूद है। इवन आई बिलीव अगर आप उसमें जा रहे हैं इंस्टाग्राम के अंदर भी, उसके अंदर भी नीचे सर्च का ऑप्शन आ जाता है, होम का ऑप्शन आ जाता है, प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाता है, वो बेसिकली क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट्स तब्दील हो रहे हैं। ऐप एक ही है, उसके सर्टेन सेक्शंस को हम तब्दील कर रहे हैं, ठीक है। सो वी वुड बी यूजिंग दैट फ्रेगमेंट कॉन्सेप्ट टुडे। सो व्हाट आई डू इज आई लेट मी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड गो इनसाइड हियर एंड क्रिएट अ ब्लैंक एक्टिविटी, ठीक है। मैंने थोड़ा इसका फॉन्ट बढ़ा दिया ताकि पढ़ने में आ जाए, उम्मीद है कि क्लियर नजर आ रहा होगा। ओके, सो आई अगेन स्टार्ट विद एन एम्प्टी एक्टिविटी, क्लिक ऑन नेक्स्ट। मेरे पास यहाँ पर आ गई ऐप और इसको मैं कह देता हूँ फ्रेगमेंट एग्जाम्पल, ओके। नाम दे दिया, फिलहाल आप इसको कुछ और नाम दे सकते हैं, हम वही एंड्रॉयड लॉलीपॉप यूज कर रहे हैं, बाकी सेटिंग्स हमारे पास वही हैं। मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया तो मेरा फ्रेगमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब फ्रेगमेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, डू इंश्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो, बिकॉज इन एटलीस्ट इस वर्जन के अंदर जो मेरे पास लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है, because at certain point it will go and download some extra dependency or indexing file for your fragments. तो fragments को जब first time हम इस्तेमाल करने जाएंगे तो you would require to have something called internet. As you can see this कि वो डाउन थोड़ा सा अपडेट कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है और वो उसको इंडेक्स करेगा। Once it is done तो उम्मीद है कि मेरे पास मेरा कोड जो होगा वो चल जाएगा, ऑल ओके हो जाएगा। बिकॉज आई हैव ट्राइड इट लास्ट टाइम, मैं इसको थोड़ा ट्राई कर रहा था विदाउट इंटरनेट, तो उसने एरर दे दिया कि डिपेंडेंसीज की सिंक नहीं हो पाई, ओके। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बता दूंगा हाउ यू कैन डू इट मैन्युअली, लेकिन उसके बाद भी फिर भी आपको इंटरनेट चाहिए होगा क्योंकि उसको डिपेंडेंसी जो है वो सिंक करनी उसमें लाजमी है। सो once this is done, एक स्टैंडर्ड एक ऐप बना दी। अभी हमने और अभी फिलहाल कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी हमने फ्रैगमेंट इसमें नहीं बनाया, नॉर्मल ऐप हमने बनाई, क्रिएट हो गई, फैंटास्टिक। वही कंस्ट्रेंट लेआउट आ गया, टेक्स्ट व्यू आ गया, मैंने टेक्स्ट व्यू को हटा दिया, मेरे पास कंस्ट्रेंट लेआउट आ गया। हमने कहा ठीक, कंस्ट्रेंट लेआउट को मैंने राइट क्लिक किया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इन समथिंग कॉल्ड कन्वर्ट व्यू, और मैं लीनियर लेआउट के अंदर इसको तब्दील कर देते हैं। तो हमारे पास लीनियर लेआउट आ गया। मैं इसको हॉरिजेंटली रख रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर 3 बटन यहाँ पे शो करना चाहूंगा। मैंने कहा ठीक है। Once this is there, then what we do is कि मैं इसी लीनियर लेआउट के अंदर एक बटन ड्रॉप कर देते हैं सी के नीचे। एक यहाँ पे बटन आ गया, दूसरा बटन इसके नीचे यहाँ पर आ गया, तीसरा बटन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 3 हमने बटन उसमें डिस्प्ले कर दिए। वेरी क्विकली एट्रीब्यूट्स में गए, यहाँ पे मैंने लिखा साइज, तो हमारे पास सॉरी बटन को सेलेक्ट किया तो बटन का साइज आ गया। इसका हमने कर दिया 25 SP, तो इसका 25 SP हो गया। बटन 2 सेलेक्ट किया, इसी की साइज में रहते हुए आई थिंक 20 SP कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा रीडेबल हो जाएगा। और इसको भी उठा के हम चेंज कर लेते हैं 20 SP, ठीक है। तो 3 बटन मैंने इन रो बना दिए। हमने कहा ठीक है, पहले बटन की भी साइज 25 से वापस लेट मी जस्ट चेंज इट टू 20 SP हो गया। फिर इसी के अंदर हमने मार्जिन सेलेक्ट की लीनियर लेआउट की, और यहाँ पर आके मैं एट्रीब्यूट्स में गया और इसको मैं उठा लेता हूँ मार्जिन, बल्कि बटन, ठीक है। और मार्जिन में आके मार्जिन हमारे पास एक पैरामीटर आता है मार्जिन टॉप का, इसको हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 20 dp। तो ये थोड़ा सा नीचे से हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर का गैप आ गया। हमने कहा ठीक है। मार्जिन एंड हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 10 dp, तो हमारे पास ये एंड पे 10 dp आ गया। मैंने कहा फिलहाल इसको छोड़ो। अगेन यू कैन सेट योर मार्जिन एज पर योर बटन एज यू लाइक। मैंने बटन पर आ गया, मैं इसके अंदर भी मार्जिन दे सकता हूँ कि मुझे लेफ्ट राइट टॉप बटन मार्जिन क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके 5 dp की मार्जिन दे दी, तो बेसिकली आपके हर बटन के गिर्द 10 dp की मार्जिन आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने बटन दूसरा सेलेक्ट किया, मार्जिन मैंने अलग किया हुआ है, लेआउट में गए, मैंने 5 dp की यहाँ पे मार्जिन सेट कर दी। इसी तरह से तीसरा बटन सेट किया, मार्जिन में गए, मैंने इसके अंदर भी 5 dp की मार्जिन सेट कर दी। तो 3 बटन के गिर्द हमारे पास थोड़ा सा स्पेस नजर आ गया। बाय डिफॉल्ट हर कंपोनेंट चिपका हुआ होता है। लीनियर लेआउट यूज कर रहे हैं कोई भी लेआउट, अगर बटन एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, तो मैंने बटन सेलेक्ट किया, एट्रीब्यूट एडिटर में आया, सर्च बार पे गए, मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन, तो मार्जिन आ गया। मार्जिन बेसिकली डिफाइंस द स्पेस बिफोर अ कंपोनेंट स्टार्ट्स। ये कंपोनेंट है, उससे पहले स्पेस कितना होना चाहिए। तो मैंने मार्जिन लेआउट में गए, मैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एंड अलग अलग भी कर सकता हूँ। अगर आपने इकट्ठा मार्जिन दिया तो ये चारों तरफ से 5 पिक्सल का उसने गैप दे दिया, हर बटन के ऊपर दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बटन के दरमियान में थोड़ा सा गैप आ गया, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं है। अगेन ये प्रॉपर्टीज हम पहले भी यूज कर चुके हैं, इसको थोड़ा समझना लाजमी है। फिलहाल मैंने सिंपल सा कंपोनेंट बना दिया, कहानी खलास। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे फ्रैगमेंट कंटेनर एक मौजूद है, लेकिन मैं फ्रैगमेंट कंटेनर नहीं यूज कर रहा, आई एम यूजिंग समथिंग कॉल्ड फ्रेम लेआउट, ठीक है। फ्रेम लेआउट हमने पहले यूज नहीं किया, ये बेसिकली आपके कंपोनेंट्स को ओवरलैप करके अलग से दिखा देता है, आइसोलेट करके दिखाने में हेल्प प्रोवाइड करता है। लीनियर लेआउट सीक्वेंशियली कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है, फ्रेम लेआउट जब हम यूज करते हैं तो ये आपके एक फ्रेम बन जाती है, उसके ऊपर कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक इफ आई हैव अ पेपर, मैंने पेपर पे अपना काम लिखा, लेकिन उसके ऊपर हमने स्टिकी नोट्स लगा देते हैं, तो अलग से एक नोट्स उसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है, जरूरत पड़ने पे हमने हटा दिया, जरूरत पड़ने में लगा दिया। तो फ्रेम लेआउट वर्क्स इन दैट काइंड ऑफ अ वे कि हमने एक ही लेआउट के ऊपर फ्रेम लेआउट लगाया, उसको मैं बाद में हटा भी सकता हूँ, रख भी सकता हूँ, हाइड भी कर देते हैं कोड से, क्या क्या अगर जैसे नहीं पॉपअप विंडो एक आ जाती है, मॉडल व्यू आ जाता है, उस तरह से बिहेव कर रहा होता है। तो मैंने इसके अंदर लीनियर लेआउट के अंदर नीचे फ्रेम लेआउट भी ड्रॉप कर दिया फिलहाल। उप्स, ओके, ये इसने क्यों कर दिया? अच्छा ठीक है, इसको मैंने फिलहाल डिलीट किया। अब इसी के अंदर जो मेरे पास ओके ओके ओके, ये लेआउट गलत हुआ, पहले हमें इसमें एक्चुअली लीनियर बनाना था रो, और दूसरी रो में ये कंपोनेंट आना था। इसीलिए हम कहते हैं कि व्हेन यू डिजाइन ए कंपोनेंट्स फर्स्ट पेपर पे थोड़ा ड्रॉ कर लो तो आइडिया हो जाए। अभी मैंने लीनियर बनाया तो सारे रो में आ गए, एक्चुअली मुझे पहले सारे कॉलम में आ गए, मुझे पहले रो में करना था। तो आइदर आई कैन डू वन थिंग, इसके मैं फिलहाल स्प्लिट में चला गया, ये चारों बटन, 3 बटन उठाए, इन 3 बटन को Ctrl X कर दिया, तो बटन डिलीट हो गए, ठीक है। मैंने इस लीनियर लेआउट को राइट क्लिक किया, चेंज कर दिया इनटू वर्टिकल, तो ये मेरे पास रो बन गई। इस रो के अंदर पहले मैंने डाल दिया लीनियर लेआउट, ठीक है, ताकि मैं लीनियर लेआउट के रो के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकूं। फिर स्प्लिट किया, फिर इस लीनियर लेआउट के अंदर आके भैयान मैंने जो है यहाँ पे आपका वो बटन्स तीनों पेस्ट कर दिए और फिर स्प्लिट कर दिया, तो बटन्स मेरे पास नॉर्मली आए। अब ये वाली चीज हो गई लीनियर लेआउट इन अ रो फॉर्म। फिर उसको कॉलम में किया ताकि तीन बटन्स कॉलम में आए। अब मैं फ्रेम वाला उठा के इस वाले लीनियर के अंदर यहाँ पर डाल दूंगा ताकि नीचे मेरे पास इसका फ्रेम लेआउट आ जाए। ये वाला लेआउट अलग हो गया, ठीक है, तो ये लीनियर लेआउट अलग हो गया जिसके अंदर तीन बटन्स आ गए थे। अब इसकी जो हमारे पास साइजिंग होगी मुझे उसको कंट्रोल करना है। मैंने एट्रीब्यूट एडिटर में आए मार्जिन को हटाया ताकि पूरी लेआउट, इस वक्त इसकी लेआउट देखो लीनियर में, फ्रेम लेआउट का पता नहीं चलेगा, ठीक, फ्रेम लेआउट का हमें पता इसीलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये जो लीनियर लेआउट है एज यू कैन सी दिस का ब्लू बॉक्स पूरे कंपोनेंट पे आ रहा है। मैं इसकी हाइट को कर दूंगा रैप कंटेंट, कि जितना मैंने कंटेंट तुम्हारे अंदर डाला है फिलहाल उतना ही आ जाए, तो ऑटोमेटिकली फ्रेम लेआउट अब बाकी के हिस्से को ऑक्यूपाई कर देगा। अगेन मैंने पहले जैसे कहा हुआ है कि व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग मल्टी लेआउट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इज योर लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट। बाय डिफॉल्ट जब मैंने लीनियर लेआउट सेलेक्ट किया था तो इसकी जो कंटेंट था वो मैच पेरेंट था। ये मींस जितने मेरे पेरेंट की साइज है, जितने मेरे इस वाले पेरेंट की साइज है, तुम्हारी साइज भी उतनी हो जाए। तो इसने पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर दिया, पूरी स्क्रीन हमारी ब्लू हो गई। देखा, ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसको मैं फिलहाल हाइड कर देते हैं, यहाँ पे आ जाए। लेकिन मुझे इस वाले लीनियर लेआउट को सिर्फ इतनी रो तक महदूद करना है ताकि इसके नीचे में कुछ और कंटेंट दिखा सकूं। तो इसीलिए फिर इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया रैप कंटेंट में। तो अब ये लीनियर लेआउट देखो यहाँ तक हो गया, इस बटन के गिर्द हो गया, रैप हो गया। मीन जितने तुम्हारे अंदर मैंने बटन डाले हुए तुम्हारी विड्थ उतनी हमारे पास हो जाए। निकाल डाल। फिर उसके बाद जब मैंने फ्रेम लेआउट किया तो अब बाकी का जितना एरिया था वो ऑटोमेटिकली मेरे फ्रेम ने ऑक्यूपाई कर दिया। ओके, ये मेरे पास एक सिंपल से तीन बटन्स बन गए। मैंने यहां पर आ गया, इस बटन्स के अंदर हम कंटेंट तब्दील कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल, ठीक है, दूसरा बटन मैंने सेलेक्ट किया, इसके अंदर हम आ गए। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया लैपटॉप्स, ठीक है, और फॉर एग्जांपल तीसरा बटन आ गया, इसके अंदर मैं आके दे देता हूं फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप्स। उप्स, ठीक है, तो मेरे पास तीन कंटेंट आ गए। नाउ एज सून एज आई चेंज द कंटेंट्स, क्योंकि अल्फाज मैंने फॉन्ट बड़ा किया हुआ था तो वो टेक्स्ट आगे पीछे हो गया। तो अब मैं इसकी टेक्स्ट साइज को वापस थोड़ा सेट कर देता हूँ कि यार 15 SP कर देते हैं। इसको उठाया, इसको भी मैं 15 SP कर देता हूँ ताकि मेरे बटन्स के फॉन्ट सबका एक जितना हमारे पास नजर आए। पहले बड़ा बड़ा हो गया था तो दूर दूर हो गया था, फॉन्ट बड़े हो गए, ठीक है। मैंने दोबारा इसकी रीसेटिंग कर दी। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब एक्चुअली मुझे यूज करना है फ्रेगमेंट्स का। तो मैंने फ्रेम लेआउट बनाया हुआ है, मैं इसके ऊपर फ्रेगमेंट्स रखूंगा और अब एक ही एक्टिविटी के अंदर हम मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को यूज करना स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट आई डू इज आई कम हियर, इसको लेट मी क्लियर हियर। हम फाइल में आ गए, फाइल में आने के बाद हम न्यू में गए, न्यू में आने के बाद ओप्स, फाइल, न्यू, न्यू में आने के बाद जहां पे हम एक्टिविटी बनाते हैं उसी के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेगमेंट्स का। जहां पे हम एक्टिविटी पहले बनाते थे, अब हम एक्टिविटी बनाने नहीं जा रहे, अब हम बनाने जा रहे हैं फ्रेगमेंट्स का। तो यहाँ भी कुछ डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स आ गए। We will start with a blank fragment for now. मैंने blank fragment पे क्लिक किया, इसका मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है मोबाइल फ्रेगमेंट, इसका नाम दे देते हैं। इसने ऑटोमेटिकली इसका फ्रेगमेंट मोबाइल कर दिया। लैंग्वेज हम इसमें भी जावा यूज करेंगे। क्लिक ऑन फिनिश। ओके, वंस दिस इज डन, अब अगेन अब यहाँ पे जो है असल में मे भी आपको इंटरनेट की जरूरत पड़े, जो मैंने पहले बात की थी कि जब आप फ्रेगमेंट्स पे यूज करने जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। कुछ इंडेक्सिंग को वो नेट से कनेक्ट करता है। एटलीस्ट मेरे पास कल ये एरर दिया था, विदाउट इंटरनेट ये नहीं चला। उम्मीद है कि आपकी बात चल गया होगा। इफ आई कम बैक हियर तो मेरे पास फ्रेगमेंट आ गया, ठीक है। अब इंटरनेट की क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इफ यू कम इनसाइड योर ग्रेडल, ये ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेडल स्क्रिप्ट्स का। ये फोल्डर है, कहीं कहीं पे बहुत काम की चीजें, टेक्निकली हम इसको हैंडल नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि आप अगर एक्सटर्नल पैकेज इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सटर्नल एपीआई यूज कर रहे हैं, तो आपको यहां पे उसको मैन्युअली देना पड़ती है। अगर मैं इसके अंदर आ जाऊं तो यहां पे एक चीज है ग्रेडल बिल्ड, इसके नीचे आ जाए तो यहां पे यू कैन सी दिस के देयर इज समथिंग कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन में यहां पे कुछ चीजें हमारे पास हम एक्सटर्नल इंप्लीमेंट्स कर रहे होते हैं। अब जब हमने फ्रेगमेंट्स यूज किया तो फ्रेगमेंट्स की भी यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सिंग आ जाती है और वो उसको इधर नोट करता है कि मैं फ्रेगमेंट यूज करना चाह रहा हूँ या नहीं। या इस तरह से नेट से हम अलग से बहुत सारे पैकेजेस एपीआई उठा रहे होते हैं, उसकी मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग देनी पड़ती है, ठीक है। स्पेशली नेविगेशन ड्रॉर अगले एग्जांपल में मैं करूंगा तो उसके अंदर भी हमें इसका जरूरत पड़ रही होती है। तो अगर ये चीज आपकी चल गई, फैंटास्टिक। मेरे पास विदाउट इंटरनेट समाव कल नहीं चला था, फिर इंटरनेट करके किया तो चल गया, वट एवर द रीजन माइट बी। अभी मैंने इस पर नेट ऑन किया हुआ है सो दैट एटलीस्ट प्रॉब्लम ना आए विद इन द क्लास। ओके, बहरहाल मैंने फिलहाल सिर्फ फ्रेगमेंट बनाया, उम्मीद है कि अगर नेट कनेक्ट होगा तो वो इंडेक्सिंग इसकी खुद ही कर देता है, आपका प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वंस इज डन, नाउ मैं ग्रेडल को बंद कर देता हूं। मैं ग्रेडल का एग्जांपल आगे एक और कराऊंगा। यू वुड नाउ नोट कि देयर आर टू थिंग्स दैट हैव बीन डन। एक मोबाइल fragment.xml फाइल बनी, इसके अंदर भी वही मोबाइल एक्टिविटी आ गई, वही सारा इंटरफेस है, फर्स्ट क्लास। एक जावा फाइल बनी फ्रेगमेंट के नाम से, ठीक है। इसके अंदर अब थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का जावा का कोड मुझे नजर आ रहा है। देयर इज पब्लिक क्लास मोबाइल फ्रेगमेंट, जो नाम हमने रखा था उसी से एक्सटेंड्स। अब की बार ये फ्रेगमेंट को एक्सटेंड कर रहा है। जो पहले हमारी मेन एक्टिविटी थी वो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रहा था, यहां पे वो क्या कर रहा है भाई, वो एक्सटेंड कर रहा है फ्रेगमेंट को। तो दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद इसने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं और कुछ अपने फ्रेगमेंट्स के मेथड्स यूज किए हुए हैं, कुछ अपने स्टैटिक फ्रेगमेंट्स की उसने डेटा यूज किया हुआ है और कोड थोड़ा बढ़ा दिया। बाद में आते हैं इस कोड के ऊपर। असल चीज ये कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मेन एक्टिविटी दैट वी क्रिएटेड एंड दिस फ्रेगमेंट दैट इज अवेलेबल। ओके, फ्रेगमेंट्स अगेन आर कंसीडर्ड एज अ लाइट वेट एक्टिविटी। एक्टिविटी पूरी स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे चल रही होती है, ठीक है। अक्सर औकात हमें जरूरत पड़ती है कि एक ही एक्टिविटी के अंदर हम मल्टीपल कंटेंट्स दिखाएं, लेकिन वो कंटेंट पूरी स्क्रीन को कवर करें। डिपेंडिंग ऑन यूजर कौन से ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है, वो स्क्रीन तब्दील होती रहे। तो टिपिकली हम एक्टिविटीज यूज कर रहे थे प्रीवियस एग्जांपल्स में। नोट्स के अंदर भी हमने एक्टिविटीज स्विच की, ठीक है। हमने स्टोरी बुक ऐप बनाई, उसके अंदर एक्टिविटीज स्विच की। रेस्टोरेंट ऐप बनाई, एक्टिविटीज स्विच की। लेकिन इसका एक और तरीका भी है यूजिंग फ्रेगमेंट्स का। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया व्हाट्सएप का, इफ यू गो इनसाइड योर व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है कि इफ यू चेक योर व्हाट्सएप, तो ये मेरे पास एक एक्टिविटी हुई। जैसे मैंने व्हाट्सएप खोला, एक एक्टिविटी हमारे पास आ गई। फिर मैंने इसको स्क्रॉल किया, सिंपली स्क्रॉल किया, तो इंटरफेस पूरा का पूरा सेम रहा, सिर्फ नीचे का कंटेंट तब्दील हो गया। दिस इज नोन एज फ्रेगमेंट। अब ये अलग फ्रेगमेंट हुआ। फिर मैंने स्क्रॉल किया, मेरा अलग फ्रेगमेंट आया। ऊपर का एक्टिविटी सेम रही, सारा इंटरफेस सेम रहा, नीचे का कंटेंट हमारा तब्दील हो गया। फिर मैंने इसको स्क्रॉल किया, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्चुअली ये फ्रेगमेंट चेंज हो रहा है। एक ही एक्टिविटी के अंदर हम मल्टीपल फ्रेगमेंट्स यूज करके उसमें डिफरेंट इंटरफेस रखते थे। एक ही एक्टिविटी के अंदर मैं मल्टीपल फ्रेगमेंट्स रख सकता हूं। एक फ्रेगमेंट को हाइड कर दिया, दो को हाइड कर दिया, तीन को हाइड कर दिया, डिपेंडिंग मैं किस ऑप्शन पे सेलेक्ट कर रहा हूं, मेरा वो वाला फ्रेगमेंट आ जाएगा। हर फ्रेगमेंट के अंदर कंप्लीटली डिफरेंट यूआई आ जाएगा। इसका एडवांटेज, फ्रेगमेंट्स आर लाइट वेट। सेकेंड, फ्रेगमेंट्स कैन बी नेस्टेड इनसाइड एन एक्टिविटी। थर्ड, विद इन वन एक्टिविटी यू कैन हैव मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। तो बाजार आपकी एक ही एक्टिविटी चल रही है, एक ही ऐप रन हो रही है, उसके अंदर आप सिर्फ फ्रेगमेंट्स तब्दील करते जा रहे हो। ये चीज इंस्टाग्राम भी कर रहा है, ये चीज व्हाट्सएप भी हैवीली कर रहा है, ये चीज फेसबुक के अंदर हो रही है। इस तरह बहुत सारी बड़ी फेमस एप्स हैं। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट एक्टिविटी फॉर एवरी इंटरफेस, हम एक उसके सिंपली एक ही ऐप के अंदर रहते हैं, क्योंकि मुझे हो सकता है फुटर में आइकॉन सेम चाहिए, हेडर के आइकॉन सेम चाहिए, सिर्फ बीच के कंटेंट तब्दील करना है। अब मैंने नई एक्टिविटी बनाई तो मुझे वो सारा हेडर फोल्डर सब में कॉपी करना पड़ेगा, कंटेंट कॉपी करना पड़ेगा, टैग्स करने पड़ेंगे। फिर तीसरी एक्टिविटी बनाई, फिर हेडर फोल्डर करने पड़ेंगे। तो दैट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम, रिपीटेटिव कोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसके निबंधन इस बार हम एक एक्टिविटी बनाते हैं, जो कंटेंट एरिया तब्दील हो रहा है उस पर अलग अलग फ्रेगमेंट्स रख दिए, वो चीज यहाँ पे आ गई। तो फ्रेगमेंट्स बिहेव लाइक एन एक्टिविटी बट दे कैन बी नेस्टेड। इसका मेजर एडवांटेज हमें ये मिलता है कि ये नेस्टेड हो सकते हैं, ठीक। तो हमने फ्रेगमेंट बनाया, बनाने का तरीका भी वही, फाइल में गए, न्यू में गए, अब एक्टिविटी की जगह पे हमने फ्रेगमेंट बना दिया। अब इसका हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट बनाया तो एक फ्रेगमेंट आ गया, इसका नाम मैंने दे दिया मोबाइल फ्रेगमेंट। तो मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, इसके ऊपर उसने फ्रेम लेआउट ऑलरेडी यूज किया हुआ है, हमने कहा ठीक, कोई एतराज नहीं हमें। उसके बाद टेक्स्ट व्यू आ गया, उसके ऊपर उसने एक टेक्स्ट व्यू डाला हुआ है, हमने कहा फिलहाल ठीक। ऑब्वियसली वी कैन चेंज द लेआउट टू व्हाटएवर वी वांट, कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, मैं अपने हिसाब से प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमने कहा फिलहाल इसको इतना ही रहने दो, मैं एग्जांपल के तौर पे करा रहा हूँ। टेक्स्ट व्यू आ गया, मैंने टेक्स्ट व्यू में आने के बाद यहाँ पे कंटेंट को तब्दील कर देते हैं, दिस इज मोबाइल फ्रेगमेंट, ठीक है। तो मेरे पास मोबाइल फ्रेगमेंट आ गया। साइज बढ़ाना है, मैं या तो लिस्ट को बैठ के ढूंढता रहूँ, या मेरी एक आदत अब हो गई कि हम एट्रीब्यूट एडिटर के सर्च में गए, यहाँ पे SI साइज लिखा तो टेक्स्ट साइज आ गया, इसको मैं 25 SP कर दूंगा। तो ये हमारे पास मोबाइल फ्रेगमेंट बड़ा हो गया। लेट मी जस्ट डू इट 35 SP, तो थोड़ा और हमारे पास बड़ा हो गया। आप चाहें तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसका मैं बैकग्राउंड कलर में चला जाते हैं, और यहाँ से कलर पिकर उठाया एंड लेट मी जस्ट चेंज इट टू समथिंग डिफरेंट सो दैट इट इज मोर रीडेबल। मैं इसका चाहूँ तो कलर का टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड की जगह पे हम कलर पे आ जाते हैं तो टेक्स्ट कलर आ गया मेरे पास। इस टेक्स्ट कलर के बटन पे क्लिक किया एंड लेट मी जस्ट यूज अ लाइटर व्हाइट कलर एंड क्लिक ओके। तो ये थोड़ा सा पढ़ने में आ जाएगा। आप सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, अलग ग्रेविटी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अगेन ग्रेविटी के बारे में बता देता हूँ, एक चीज हमने पहले भी शायद की थी, जिक्र नहीं की थी, मैंने ग्रेविटी गाई थी, ग्रेविटी लिखा तो ग्रेविटी आ गई। ग्रेविटी क्या करेगा, अलाइनमेंट यूजुअली हॉरिजेंटली उसको अलाइन करता है टेक्स्ट को, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाइड। अगर मुझे इसको बिल्कुल सेंटर पे लाना है कंपोनेंट के तो मैं क्या करूं, ऑब्वियसली प्लेसमेंट करते हैं लेकिन कभी कभी कंपोनेंट के भी मुझे टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, टेक्स्ट हुआ, इमेज हुआ, कुछ भी रखना है तो हम ग्रेविटी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ग्रेविटी लिखा, ग्रेविटी आ गई, ग्रेविटी के एरो पे क्लिक किया तो इसकी कुछ सेटिंग्स आ गई। यहाँ पे एक चीज दी है सेंटर, मैंने सेंटर को ट्रू किया तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मेरा सेंटर पर आ गया। ठीक है, तो अक्सर औकात कंपोनेंट्स को इजीली सेंटर पे करने के लिए ग्रेविटी की एक प्रॉपर्टी है, हम बेसिकली वो ग्रेविटी की प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने कह दिया, चलें जबरदस्त कहानी हो गई, मेरे पास ये एक एक्टिविटी बन गई। इसी तरीके से मैं फाइल में आया, न्यू में गया, फ्रेगमेंट में गया, मैंने एक और ब्लैंक फ्रेगमेंट बना दिया। अब की बार इसका नाम हम दे देते हैं लैपटॉप फ्रेगमेंट, तो मेरे पास लैपटॉप फ्रेगमेंट बन गया। इसके हमारे पास XML में गए और इसके भी वही, क्योंकि ये बिहेव्स लाइक एन एक्टिविटी, इसमें भी दोनों चीजें XML भी है, इसके जावा भी है, ताकि आप बैकएंड की कोडिंग भी कर सकें। जितने भी हम फ्रेगमेंट्स बनाएंगे उसमें XML भी बनेगा, जावा भी बनेगा, काम उसका भी वही है, फ्रंट एंड उसका भी हमारे पास उसी तरीके से आ गया। मेरे पास टेक्स्ट व्यू आ गया, अगेन मैं एट्रीब्यूट में गया, मैंने साइज उठाई, इसकी साइज मैंने कर दी 35 SP साइज हो गई, इसको हमने कैंसिल किया, टेक्स्ट पे आ गए हम। टेक्स्ट पे आने के बाद मैंने लिखा दिस इज, ये हमारे पास कौन सा था, लैपटॉप ना, लैपटॉप फ्रेगमेंट कर देते हैं हम, तो लैपटॉप फ्रेगमेंट आ गया। इसकी भी मुझे ग्रेविटी चेंज करनी है, मैंने इसकी ग्रेविटी पे चला गया, ये ग्रेविटी आ गई, एरो पे क्लिक किया, सेंटर पे कर दिया भाईजान को, तो ये ग्रेविटी सेंटर पे हो गई। इसका आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम इस पे आके बैकग्राउंड पे लिखा, बैकग्राउंड कलर आ गया, पिकर में गए, मैंने कह दिया भाई इसका कलर येलो कर दो, ओके किया, येलो हो गया। टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहें, वट एवर डिजाइनिंग यू गेट। अब वो एट्रीब्यूट हमने पहले की नहीं है, जस्ट लाइक HTML CSS there are many attributes, just change with them। ये मेरे पास दूसरा फ्रेगमेंट बनके रेडी हो गया। हमने कहा वेरी गुड, मैं फिर वापस फाइल में आ गया, मैं फिर न्यू में गया, ठीक है, और मैं फ्रेगमेंट में गया और मैंने फिर एक और ब्लैंक फ्रेगमेंट बना दिया, डन। हमने कहा डन हो गया। अब की बार हम इसको नाम दे देते हैं भाईजान, इसको आप क्या करो, इसको बना दो डेस्कटॉप फ्रेगमेंट, तो ये मेरे पास डेस्कटॉप फ्रेगमेंट बन गया। डेस्कटॉप फ्रेगमेंट ये हमारे पास क्लास आ गई। अब मैं इसके साथ भी वही हरकत करूंगा, या मैं दूसरी, अगर इसमें मैंने बहुत सारी डिजाइनिंग की हुई है तो मैं लैपटॉप वाले फ्रेगमेंट में गया, इसके कोड को मैंने किया स्प्लिट, ये जो टेक्स्ट व्यू लिखा था मैंने इसको या तो पूरा कॉपी करूं या इसकी जो मैंने प्रॉपर्टीज चेंज की थी, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी, अलाइनमेंट, सेंटर और इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह, मैं इसको उठा के कॉपी कर सकता हूँ, यही प्रॉपर्टीज मैं उसमें पेस्ट कर दूंगा। तो कंट्रोल सी, फिलहाल सिर्फ प्रॉपर्टीज मैंने कॉपी की। मैं डेस्कटॉप वाले फ्रेगमेंट में गया, स्प्लिट किया, यहाँ पे देखो सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज हैं, इसके एंड टैग से पहले मैंने वो तीनों प्रॉपर्टीज पेस्ट कर दी। ये भी एग्जैक्टली भाईजान मेरा उसी तर्ज पर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कंटेंट रेडी हो गया। और इसने एरर क्यों दिया, अच्छा एरर इसीलिए दिया क्योंकि एंड्रॉइड के ऊपर इसने 2 दफा इसने कहा यार आपने टेक्स्ट दिया हुआ है, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, नाराज नहीं हो, मैं 2 दफा नहीं 1 ही दफा देता हूँ। वो टेक्स्ट 2 दफा कॉपी हो गया था तो उसने वहां पर एरर दे दिया, हमने इसको भाई का एरर खत्म किया, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट आ गया। यहाँ पे टेक्स्ट में गए, इसका हम नाम देते हैं दिस इज डेस्कटॉप, राइट, डेस्कटॉप फ्रेगमेंट। ठीक है भाई, कलर इसका येलो था, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर येलो नहीं करते, सबका येलो अच्छा नहीं लग रहा होता, उप्स, बैकग्राउंड और इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं FFFF यार, रेड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका कलर हमारे पास ऑरेंज हो गया। टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, एनीवे तो मेरे पास 3 मुख्तलिफ किस्म के फ्रेगमेंट्स आ गए। अज्यूमिंगली दे कैन कंटेन एनी डिफरेंट डिजाइन एंड कंपोनेंट्स यू वांट। अब लॉजिक आती है कि यार मेरी मेन एक्टिविटी के अंदर मुझे ये फ्रेगमेंट्स यहाँ पे लोड कराने, तो मैं आ जाऊंगा हमारे पास जो मेन हमारी फ्रेगमेंट्स की मेन एक्टिविटी की जो क्लास है। पहले तीनों फ्रेगमेंट्स के जावास को मैंने बंद कर दिया, मेन एक्टिविटी के जावा के अंदर आ गए। यहाँ पे आने के बाद अब मुझे सर्टेन पीस ऑफ कोड लिखना है जिसके तहत मैं फ्रेगमेंट को मैनेज कर सकूं। वो कोड मेरे पास कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये कोड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने फ्रेगमेंट मैनेजर पे दिया एरर, अल्टर एंटर प्रेस करो, ठीक है, तो उसने ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट करा दिया। इफ आई मिनिमाइज दिस, यहाँ पर आ गए, तो ये फ्रेगमेंट मैनेजर की क्लास उसने इंपोर्ट कराई। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। फ्रेम लेआउट, अच्छा id.frame layout, ओके। अब ये फ्रेम लेआउट को उसने एरर दिया क्योंकि मैंने हजरत को कॉपी पेस्ट किया था। उसने कहा भाईजान मेन एक्टिविटी में जाओ, देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रेम लेआउट, इसका आपने नाम कुछ रखा ही नहीं हुआ, ठीक है। मैं इसका नाम दे देता हूं माई फ्रेम, ये मेरी आईडी माई फ्रेम थी, इसका नाम दे दिया माई फ्रेम। वापस जावा में आए, अब यहाँ पे जो कोड था इसको मैं उठा के कर दूंगा फ्रेम को माई FRAME फ्रेम, ठीक है। और चैट फ्रेगमेंट क्लास नहीं, अब यहाँ पे आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ्रेगमेंट डॉट क्लास, ठीक है। अब मुझे एक कोड को मैंने एरर खत्म किया, लेट मी एक्सप्लेन के व्हाट आई हैव डन हियर, देन वी विल गो एंड प्रोसीड फर्दर। अब फ्रेगमेंट्स को यूज करने के लिए अगेन एक्टिविटी एक ही है, आइडिया ये कि मैं उसके अंदर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स यूज करना चाह रहा हूं। जस्ट लाइक व्हाट्सएप के अंदर 3 फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अब फ्रेगमेंट्स क्योंकि अलग से एक पीस ऑफ इंटरफेस है, उसको आपने मेन के अंदर इंटीग्रेट करना है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं समथिंग कॉल्ड फ्रेगमेंट मैनेजर की क्लास, ठीक है। एक फ्रेगमेंट मैनेजर की क्लास है जिसका काम है कि वो फ्रेगमेंट्स को मैनेज करेगा कि किस वक्त पे कौन सा फ्रेगमेंट मुझे दिखाना है। हमने कहा ठीक, तो हमने फ्रेगमेंट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका रेफरेंस बनाया और फिर गेट सपोर्टेड फ्रेगमेंट मैनेजर को हमने कॉल करा दिया। तो ये सपोर्टेड फ्रेमवर्क जो हमारे पास एंड्रॉइड के अंदर बिल्ट इन क्लास में होगा, उसका सारा कोड लाके इस भाईजान वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा, ठीक। तो हमने फ्रेगमेंट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको गेट सपोर्टेड फ्रेमवर्क जो करंट आपके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्रेगमेंट मैनेजर है, उसका रेफरेंस लाके इसको हमने पास कर दिया। उसके बाद हमने इसको कहा कि जो फ्रेगमेंट मैनेजर है बिगिन ट्रांजैक्शन, एक कोड हमने यूज किया। बिगिन ट्रांजैक्शन विल बेसिकली मीन कि ट्रांजैक्शन अब फ्रेमवर्क को चेंज करने की बिगिन करो, रिप्लेस करो r.id my frame, ठीक है। r.id हम पहले भी यूज कर चुके हैं, पहले हम फाइंड व्यू बाय आईडी करते थे, फाइंड व्यू बाय आईडी की जगह पे एक और अब मेथड हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम है रिप्लेस, कि मैं एक कंटेंट को रिप्लेस करना चाह रहा हूं दूसरे के साथ, ठीक है। तो हमने फ्रेगमेंट को गेट किया, बिगिन ट्रांजैक्शन की कि अब काम अपना शुरू करो, रिप्लेस करो r.id my frame को। r.id my frame क्या है? इफ यू गो इनसाइड हियर, तो ये जो अभी मैंने my frame बनाई थी ये वाली है, कि अब ये जो फ्रेम नजर आ रही है इसको तुमने रिप्लेस करना है। किसके साथ रिप्लेस करना है भाईजान? उसने कहा यार इसको रिप्लेस करो तुम मोबाइल डॉट फ्रेगमेंट क्लास के साथ, ठीक। तो जो अभी हमने मोबाइल फ्रेगमेंट बनाया डॉट क्लास उसकी लगाई, जस्ट लाइक एन इंटेंट। अब इंटेंट के अंदर भी हम my क्लास का नाम डॉट क्लास लगाते थे, ये वही चीज आ गई, वापस उसी तर्ज पे दोबारा इस्तेमाल हो रहा है। अभी हमने कहा कि रिप्लेस करो जो फ्रेम है उस फ्रेम के अंदर तुम मोबाइल डॉट क्लास लगाओ, और फिलहाल आर्ग्यूमेंट्स अलग से हमने कोई नहीं दिए, नल कर दिए। फिर इसके आगे कंटिन्यू किया, डॉट लगाया, सेट और रीऑर्डरिंग अलाउड ट्रू कर दिया। ये उसके सिंटैक्स में एडिशनल प्रॉपर्टीज है, समटाइम ना भी यूज करें तब भी ओके, लेकिन रीऑर्डरिंग अलाउड का हमें एडवांटेज ये मिलता है कि फिर हम मल्टीपल जब स्विच करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली कंटेंट के हिसाब से रीऑर्डर कर देता है। तो ये अभी मेथड आपका कंटिन्यू है। देखो एक वेरिएबल है डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, डॉट रिप्लेस, डॉट सेट रीऑर्डरिंग अलाउड ट्रू, डॉट ऐड टू बैकस्टैक मेन। अब बैकस्टैक क्या चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी इस पे आता हूं। और फिर डॉट कमिट कर दिया, मींस अब इस एक्शन को परफॉर्म कर दो। ये सारे अलग अलग मेथड है जो हमने इसके साथ यूज किए हुए, ठीक है। आप इनको चाहो अलग अलग भी लिखो, फ्रेगमेंट डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, डॉट रिप्लेस, डॉट रीऑर्डरिंग, डॉट एड, बैकस्टैक, डॉट कमिट। बैकस्टैक बेसिकली करता है कि जब मैं मोबाइल से बैक पे प्रेस करूं तो मैं कहां पर जाऊं, क्योंकि रिमेंबर आप जब फ्रेगमेंट यूज कर रहे हैं तो मैंने एक फ्रेगमेंट को स्विच किया, दूसरा आया, दूसरे को स्विच किया, तीसरा आया, लेकिन ये मोबाइल से मैं स्विच कर रहा हूं। व्हाट हैपेंस जब मैं मोबाइल का जो डिफॉल्ट बैक का बटन है एंड्रॉइड का उसको प्रेस करूं, अब मैं कहां पर जाऊं, क्योंकि मैं 3 फ्रेगमेंट स्विच कर चुका हूं, ठीक। मैं 3 फ्रेगमेंट स्विच कर चुका हूं, तो मैं अगर तीसरे पर हूं तो क्या मैं दूसरे फ्रेगमेंट पे जाऊं कि पहले पे जाऊं, ठीक है। तो यहां पे हमने दे दिया मेन, तुम्हारा जो मेन पेज होगा, जो मेन पेज हमारे पास ये बना हुआ है, तुमने यहां पे चला जाना है, ठीक है। तो बैक स्टैक का बेसिकली मतलब ये होगा कि आपका जो बैक का बटन होगा वो सही काम करेगा। कमिट बेसिकली मीन्स एक्शन परफॉर्म करना, तो यहां से ट्रांजैक्शन बिगिन की थी और यहां पे कमिट कर दी। ये सिंगल लाइन ऑफ कोड है, डॉट 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 लगा के एक्चुअली अलग अलग मेथड्स को एक साथ हमने कॉल करके यूज किया है। जी बच्चा। दूसरे पे हम क्लास का नाम दूसरा दे देते हैं, ठीक है। उमूमन हम मेन पे ही जाते हैं, बैक पे। ओके, वंस दिस इज डन, मेरे पास ये फ्रेगमेंट बन गया। हमने कहा ओके लेट मी जस्ट टेस्ट दिस ऐप। तो मैं अपना इम्यूलेटर ओपन कर लेता हूं बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एवीडी, तो मैं यूज कर रहा था ब्लूस्टैक, ठीक है। अब जब तक ब्लूस्टैक ओपन हो, खुल गया, चले। जब तक ब्लूस्टैक ओपन हो, अब ये हमने क्या किया, फिलहाल मेन पे कोड लगा दिया। ठीक है, अभी मैंने ऑन क्रिएट के ऊपर डायरेक्टली मेन के ऊपर कोड लगा दिया, ठीक है, कि जैसे ही ऑन क्रिएट होगा तो आपकी एक्टिविटी में कोई डिफॉल्ट फ्रेगमेंट नजर आना चाहिए। तो हमने डिफॉल्ट फ्रेगमेंट दिखा दिया कि यार जैसे ही मेरी एक्टिविटी ओपन हो, तो मेरा अगर व्हाट्सएप है तो चैट वाले पूरा मैसेजेस का पैनल आ जाए, तो ये समझो डिफॉल्ट पैनल हमारे पास ओपन हो गया। जैसे ही इसको मैंने एंड्रॉइड मेरा चल जाए, वंस दिस इज रनिंग। अच्छा, अब एक चीज ये मैंने ब्लूस्टैक के बारे में पहले भी बताया हुआ है, ब्लूस्टैक यूज कर रहा हूँ, मैंने इम्यूलेटर रन कर रहा हूँ, ये इम्यूलेटर डायरेक्टली मेरा एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये एम्यूलेटर मेरा डायरेक्टली एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट होता है, अभी मेरे पास नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एंड्रॉइड पहले चला लिया था, इम्यूलेटर को मैंने बाद में स्टार्ट किया। अगर आप पहले इम्यूलेटर स्टार्ट कर दो उसके बाद एंड्रॉइड चलाओगे तो ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं। अगर अभी जैसे इस केस में नहीं आया तो व्हाट वी डू इज वी कम हियर, वी गो इनसाइड ट्रबल शूट माय डिवाइस, ठीक है, वो स्कैन करेगा, अभी उसको डिवाइस नहीं मिली, लेट मी गो इनसाइड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो अब रीस्टार्ट एडीबी सर्वर, यहां पर रीस्टार्ट है क्योंकि जब एंड्रॉइड स्टार्ट हो गया तो उसने सर्वर स्टार्ट कर दिया था, तो अब उसको नहीं मिला, तो यहाँ पर रीस्टार्ट का बटन है, इफ यू क्लिक ऑन द रीस्टार्ट, अब वो उसको दोबारा उम्मीद है कि रीस्टार्ट करके मेरा इम्यूलेटर ढूंढ के लेकर आ जाएगा। ये अक्सर लोगों के मोबाइल के साथ भी प्रॉब्लम आ रहा था कि सर हमारा मोबाइल डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो अगर एक दफा एंड्रॉइड स्टार्ट कर दिया उसके बाद आपने कनेक्ट किया हुआ है तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका सर्वर रनिंग में आ गया, अब बाद में चीज कनेक्ट हुई है तो उसको सही से नहीं उठा पाता। तो हम सिंपली यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ट्रबल शूट में चले गए और यहाँ पे आके रीस्टार्ट एडीबी सर्वर को हम करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके रीस्टार्ट करोगे, वो रीस्टार्ट करेगा, आपकी डिवाइस उठा लेगा। सो इफ यू कनेक्टिंग अ मोबाइल यू कैन डू दैट। और इफ यू इम्यूलेटर को जैसे अभी मैंने किया तो देखो आपका इम्यूलेटर 555 यहाँ पर आ गया, मेरे पास ऊपर भी इम्यूलेटर आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली इम्यूलेटर इसने मेरा डिटेक्ट किया, मैं यहाँ से रन हिट करूंगा तो ये मेरी ऐप को एग्जीक्यूट करके मेरे इम्यूलेटर के यहाँ पर आके प्ले कर देगा, ठीक है। सो इफ एनीबडी स्टिल हैविंग अ प्रॉब्लम विद एवीडी, यूज ब्लूस्टैक, बहुत लाइट वेट सिंपल है, अलग से एप्लीकेशन है, डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाती है, बस, ठीक है। तो अगर एवीडी मेरे पास प्रॉब्लम कर रहा था, फिर मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया क्योंकि मेरे पास ब्लूस्टैक बड़े मजे से चल रहा है, तो मैंने एंड्रॉइड को उसको एम्यूलेटर को इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ, ठीक है। लेट दिस रन एंड आई विल शो यू बेसिकली व्हाट इट मींस। ठीक है जनाब, तो ये मेरे फ्रेगमेंट की ऐप आ गई, ये तीन बटन आ गए हमारे पास ऊपर से, और दिस इज मोबाइल फ्रेगमेंट हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। हालांकि अब अगर मैं वापस अपने कोड के अंदर जाऊं, ठीक है, और मैं अपना इसको मैं फ्रेगमेंट कर देते हैं, अभी हम मेन एक्टिविटी में चले जाएं तो ये ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे सिर्फ मैंने माई फ्रेम लगाया हुआ है। अब कोड के अंदर मैंने जावा में दिया ऑन क्रिएट जैसी हो, उसके अंदर फ्रेगमेंट मैनेजर के थ्रू मैंने मोबाइल फ्रेगमेंट डॉट क्लास अपने माय फ्रेम के अंदर रिप्लेस करवा दी कि माय फ्रेगमेंट के अंदर जो कंटेंट है उसको रिप्लेस कर दो मोबाइल फ्रेगमेंट के साथ। हैंस जैसे ही मैंने ऐप रन की तो मोबाइल फ्रेगमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। बस अब मुझे क्या करना है, अब जब मैं बटन्स पे स्विच करूं, ठीक है, तो मेरा फ्रेगमेंट्स कंटेंट तब्दील होता रहेगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, वापस यहां पर आ गए हमारी मेन के अंदर, मैंने बटन 1 उठाया, ठीक है, ये बटन था, इसका नाम हमने दे दिया फॉर एग्जाम्पल बटन मोबाइल, रिफैक्टर कर दो, ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू रीनेम योर कंपोनेंट्स बिकॉज आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएं तो काम करना जरा सा आसान हो जाता है। बटन लैपटॉप कर दिया, तीसरा बटन उठाया, बटन हमने डेस्कटॉप कर दिया, ठीक है। जावा के अंदर चले गए, अब वही सेम हरकत हमने जो पहले की थी, बटन उठाया, बटन M कर देते हैं इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. बटन हमारे पास मोबाइल आ गया, सेमीकॉलन, और इस कोड को उठा के हम कंट्रोल वी, ठीक है। बटन पर एरर आ गया, अगेन अल्टर एंटर प्रेस किया, कोड ऑटोमेटिकली हमारे पास इंपोर्ट हो गया। ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई। बटन मोबाइल था, बटन मोबाइल की जगह पे फिर बटन लैपटॉप आ जाएगा, फिर लैपटॉप की जगह पे हमारे पास डेस्कटॉप आ गया। यहाँ पे तीनों वेरिएबल सेम हुए, एम की जगह पे हम एल कर देते हैं और यहाँ पे हम डी कर देते हैं, ठीक है। ये बटन यहाँ पे कमिट हो गए, खत्म हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे फिर वही दूसरा हमारा कोड आ जाएगा कि बीटीएन डेस्कटॉप, या पहला क्या था, पहला मोबाइल था, राइट। बटन एम डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगा दिया, न्यू लिखा, व्यू ऑन क्लिक लिस्नर लगा दिया, व्यू ऑन क्लिक लिस्नर आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम इस फ्रेगमेंट को, कोड को करेंगे कंट्रोल सी। अब ये फ्रेगमेंट मैनेजर की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही दफा हम कर चुके हैं। अब इसके वेरिएबल को उठाया, यहां पर आए, पेस्ट मारा। पेस्ट मारने के बाद जहां पे मोबाइल फ्रेगमेंट था मैंने मोबाइल फ्रेगमेंट ही रखा क्योंकि बटन एम है। उसके बाद इस पूरे कोड को हमने किया कॉपी, ठीक है। बटन को या बार बार लिख सकते हो आप, लेकिन जब हजरत अंग्रेज ने हमें कॉपी पेस्ट का दिया हुआ है तो इसको कॉपी किया। अब मोबाइल की जगह पे आ जाएगा एल, और क्योंकि एल किया है तो इसका मतलब लैपटॉप है, तो यहां पे मैं क्लास का नाम दे दूंगा लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप फ्रेगमेंट, उप्स, डन। तो दिस विल बेसिकली मीन कि जब मैं एल वाले बटन पे क्लिक करूं, लैपटॉप वाले बटन पे क्लिक करूं, तो अब ये फ्रेगमेंट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और ये आपके माय फ्रेम के अंदर जो भी कंटेंट था उसको हटा के लैपटॉप वाला फ्रेम लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये दूसरा फ्रेगमेंट हमारे पास आ गया। अब लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल वाला हट गया, लैपटॉप वाला फ्रेगमेंट आ गया। यही चीज फिर मैंने नीचे की, यहां पर आ गए, बटन एल की जगह पे अब हम यहाँ पे बटन डी कर दिया और यहाँ पे आके मैंने मोबाइल की जगह पे हमने लिख दिया डेस्कटॉप, ठीक है जनाब। तो ये मेरे पास मेरा अलग कोड बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने तीनों बटन्स के ऊपर तीन दे दिया। नाउ व्हेन आई चेंज दिस टू मोबाइल तो यहाँ पे मोबाइल आएगा, लैपटॉप पे किया तो लैपटॉप वाला फ्रेगमेंट, डेस्कटॉप किया तो डेस्कटॉप वाला फ्रेगमेंट। तीनों फ्रेगमेंट्स के अंदर अलग अलग कंटेंट। और एरर क्यों पकड़ा रहा है, ठीक है। अब एरर पकड़ा रहा है, अच्छा मजे की बात, यहाँ पे एरर आ रहा है बटन मोबाइल लैपटॉप पे, भाई आना नहीं चाहिए। यहाँ पे चले गए, बटन को सेलेक्ट किया, बटन मोबाइल, बटन डेस्कटॉप, हजरत के नाम भी हमने सही रखे हुए हैं। फिर जावा पर आए, ऐतराज नाम पे, ठीक। अब क्या किया जाए, ठीक है, इसको कंट्रोल एस करोगे, एरर गायब हो जाएगा। समहाउ वैसे बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड जैसे आप टाइप करते जाते हो ना, कोड सेव करता जाता है। एट सर्टन पॉइंट वो कहता है कि यार आप कंट्रोल एस प्रेस करो। इफ यू कम इनसाइड फाइल तो यहाँ पे आपको सेव ऑल का ऑप्शन जरूर मिलता है। सेव, सिंपल सेव नहीं है, सेव ऑल कंट्रोल एस, कि जितने भी एंड्रॉइड की कोड है सबको एक साथ एक्चुअली आप सेव कर दो। तो हमने सबको एक साथ सेव कर दिया तो हमारा एरर यहाँ से ऑटोमेटिकली खलास हो गया। उम्मीद है कि कोई और एरर नहीं है। मैं दोबारा एम्यूलेटर के कोड को हम चला के चेक कर लेते हैं and hopefully this time what should happen is that your code will run। और अब हम यहाँ बटन्स के साथ इसको चेक कर पाएंगे। तो अब ये हुआ जैसे आपका WhatsApp काम कर रहा है कि आप स्विच कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी चेंज हो रही है, तो एक्चुअली वो फ्रेगमेंट चेंज हो रहा है। सेम थिंग गोज इन योर फेसबुक, सेम थिंग गोज इन इंस्टाग्राम एंड मल्टी अदर एप्स। बेसिक इंटरफेस सेम है, सर्टन सेक्शंस ऑफ कोड चेंज हो रहा है। अब ये पूरा कोड भी हो सकता है, सिर्फ एक छोटी सी रो भी हो सकती है कि मैं बटन्स को चेंज करना चाह रहा हूँ। जैसे ऊपर के बटन बनाए, हो सकता है मैं एक करूं तो नीचे का सिर्फ, बाकी सब सेम हो, ऑप्शंस बटन के चेंज हो जाए। मे बी मैं मेन्यू ऐसा बना रहा हूं तो मैं ऊपर एक क्लिक करूंगा तो नीचे ऑप्शन दूसरे आ गए, तो मैं वहां पे सिर्फ फ्रेम लेआउट में अलग से कंपोनेंट डाल दूंगा कि ये वाला ऑप्शन चेंज हो, या पूरा इंटरफेस चेंज हो, या सर्टेन सेलेक्टेड इमेज आपकी चेंज हो, ठीक है। अगर ये रन हो गया तो मैं, रन हो गया नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अच्छा सॉरी, इसने मैसेज दे दिया कि ऑलरेडी एक ऐप चल रही है आपकी, मैं क्या करूं क्योंकि ये एक्सटर्नल ऐप है। तो मैंने कहा इसको डिस्कनेक्ट करो और फिर इस शहजादे को दोबारा करो। अब वो इंस्टॉल करने चला गया, उसको उसने ऐप को अनइंस्टॉल किया, मेरा भाईजान वापस आया, मैंने लैपटॉप पे किया तो अब देखो लैपटॉप का फ्रेगमेंट आ गया, डेस्कटॉप पे किया डेस्कटॉप फ्रेगमेंट आ गया, मोबाइल पे किया मोबाइल फ्रेगमेंट। सो नाउ मेरी ऐप एक ही है, एक्टिविटी एक ही है, बेस्ड ऑन माई बटन्स के ऊपर मैं उसको एक्टिविटी को स्विच कर रहा हूं, ठीक। दिस इज मेजर पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क जो हम आगे बहुत सारी एप्स के अंदर कॉम्प्लेक्स यूआई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ दिस कैन ओनली बी अ सर्टेन सेलेक्टेड एरिया, सर्टेन सेक्शन हो सकता है, हेडर बॉटम में नीचे नेविगेशन इसकी अलग बनी हुई हो, ऊपर के ऑप्शन अलग हो, नीचे के अलग हो। मैं इसको सिर्फ कंटेंट को तब्दील करता चलूं या पूरा पेज तब्दील हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ आई वॉन्ट टू डू इट। ठीक, इस चीज को हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स। ओके, अगेन इसका यूज बहुत सिंपल सा है। हमने मेन एक्टिविटी में गए, यहां पे हम फ्रेम लेआउट डालते हैं, उस फ्रेम लेआउट के अंदर हम इस कंपोनेंट को लोड कराते हैं। फ्रेम लेआउट का एडवांटेज ये मिलता है कि ये पूरे कंपोनेंट्स के ऊपर एक ओवरलैपिंग स्टिकी नोट्स की तरह से आ जाता है और फिर हम उसको तब्दील कर रहे होते हैं, वो नीचे की एक्टिविटी के साथ मैच नहीं कर रहा होता। और इस फ्रेम के अंदर पूरे कंपोनेंट एज अ फ्रेम के तौर पे ओवरलैप कवर अप हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा फ्रेगमेंट था वो पूरा इसी फ्रेम के अंदर आ गया, पूरी एक फ्रेम बन गई। आप फ्रेम को हटा दिया या फ्रेम के कंटेंट को आपने इजीली चेंज कर दिया, तो इससे हमारे पास एक्टिविटी एक ही रही, कंटेंट तब्दील होता रहा। अब अगर मैं देखूं तो मैं रेस्टोरेंट मेन्यू एप्स थी या स्टोरी बुक एप्स थी, तो मैं उसके अंदर भी इस तरह से बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, थोड़ा यूआई को कॉम्प्लेक्स कर सकता हूं कि बजाय कि मैं 10 एक्टिविटीज बनाऊं, मैं एक दो एक्टिविटीज के ऊपर इंटरफेसेस को चेंज करता चलूं। रेसिपीज आ गई मेरे पास, मैं रेसिपीज को स्क्रॉल में डाल दिया, स्क्रॉल किया, फ्रेम सिर्फ फ्रेमवर्क चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, अब वो जेस्चर्स पे हम आ जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बटन क्लिक करने पे एक्टिविटी चेंज हो रही है। ठीक है, अब मुझे जेस्चर पे काम करना है, वो अलग दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे कि मैं जब स्वैप करूं तो ये जेस्चर कहलाता है, मैं अप स्वैप करूं तो अलग जेस्चर है। ठीक है, एक तो स्क्रॉल व्यू है, स्क्रॉल व्यू इज समथिंग डिफरेंट, स्वैप इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, उसको हम जेस्चर्स कहते हैं, उसकी फिर अलग कोडिंग है। तो हम जेस्चर पे ये चेंज बटन का इवेंट लगा देंगे, व्हेन आई प्रेस दिस जेस्चर एक्टिविटी चेंज करो, दूसरा जेस्चर एक्टिविटी चेंज करो। ठीक है, अच्छा इसी में बैक स्टैक को थोड़ा देख लेते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, मैंने यहां से एंड्रॉइड का डिफॉल्ट बैक का बटन प्रेस किया तो मेरे पास लैपटॉप पर आ गया, मैंने फिर बैक पे प्रेस किया तो मेरे पास मोबाइल पर आ गया, मैंने वापस लैपटॉप पे गया और मैंने यहाँ पे किया बैक तो मोबाइल पे आया, मैंने डेस्कटॉप पे किया फिर मैंने बैक किया तो मोबाइल पे आया। रिमेंबर अगेन, अभी मैं मोबाइल पर हूं, मैं डेस्कटॉप पे गया, बीच वाले फ्रेगमेंट को मैंने किया स्किप, मोबाइल से डायरेक्ट मैं थर्ड वाले फ्रेगमेंट पे गया हूं, तो जब मैं बैक करूंगा ना तो थर्ड वाला डायरेक्ट प्ले करा जाएगा, क्योंकि अब वो याद कर रहा है कि आप मोबाइल से डेस्कटॉप पर आए थे, तो वो वापस डेस्कटॉप से आपको मोबाइल पे ले जाएगा। तो बैक स्टैक जो है ना, वो इस बैक की आपकी हायरार्की को नोट कर रहा है कि आप कहां से आए थे और आपको वापस कहां पे जाना है। अगर आप उसको नहीं करोगे तो जब मैं इसको बैक करूंगा ना डायरेक्टली ऐप वहां पे चला जाएगा। तो अब ये नॉर्मल बैक 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 मूव कर रहा है हमारे पास। ठीक है, ये बैक 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 नॉर्मल कर रहा है। वंस एवरीथिंग इज क्लोज, ऐप क्लोज हो गई, बिल्कुल जीरो वाली एक्टिविटी पे आए तो आपकी ऐप क्लोज हो गई, जो नॉर्मली अक्सर ऐप्स में होता है। अगर हम प्रीवियस किसी ऐप को उठाए तो क्योंकि हमने उसमें कोई बैक को सही, अभी मैंने ऐप खोली फॉर एग्जाम्पल, मैंने वापस बैक को प्रेस किया, ऐप मिनिमाइज हो गई। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाली जो एक्टिविटी थी वो हमारी डेस्कटॉप मेन थी, होम वाली। मैंने ऐप खोली और मैंने कुछ भी नहीं किया, वापस बैक किया तो यहां से वापस बैक में वो मेन पे चली गई। इसको हम कहते हैं बैक स्टैक। ठीक है, तो ये ट्रैक कर रहा होता है कि आप पहले इंटर एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी, चौथी एक्टिविटी। लेकिन क्योंकि यहाँ फ्रेगमेंट्स था तो हमने फ्रेगमेंट्स पे बैक स्टैक लगा के यार तुम फ्रेगमेंट्स को भी ट्रैक करते चलो, बैक बैक करूं तो मेरे पास एक्टिविटी चले। तो ये जो कोड था हमारे पास उसमें आया। ऑब्वियसली ये सिंपल सा कोड है, यू डोंट ऑल नीड टू रिमेंबर इट बिकॉज इसमें मेथड्स हैं और मेथड्स भी इस्तेमाल होते हैं। द मोर कॉम्प्लेक्स जेस्चर्स यू वांट टू इंक्लूड इन दिस वन, ये हमारे पास सिंपल सी चीज थी। इसकी मैंने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिख दी है, आई विल शेयर इट इन योर ग्रुप एज वेल, ताकि आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। यहां तक बात समझ में आई? चले, वंडरफुल। ये टॉपिक हुआ यहाँ पे मुकम्मल। उसके बाद आ जाते हैं, सॉरी, फाइल क्लोज प्रोजेक्ट एंड डिस्कनेक्ट।